हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल दी वैंक्यूवर। सो गाइस, फाइनली लखनऊ पहुंच गया हूं। अभी भाई आएगा, पिकअप करेगा मुझे, तो अभी भाई को हेलो गाइस। 3:20 की मेरी ट्रेन है, मुझे लेट हो गया। मेरे पास 1.25 घंटा बचा है। अभी मुझे यहां से 6 किलोमीटर दूर जाना है, ट्रेन भी पकड़ना है और समय नहीं है। और ट्रेन 3:20 की है और 2:30 बज रहे हैं। रिक्शा मिल चुका है, बस थोड़ी देर में पहुंचना है क्योंकि समय नहीं है। 3:20 का ट्रेन है और मेरे पास 1/2 घंटा बचा है, लखनऊ की ट्रेन पकड़ना है। सुबह से भाग रहा हूँ। इधर जाना है गाइस, ऑटो ढूंढ रहा हूँ, ऑटो नहीं मिल रहा। चाचा वहाँ प्रयागराज संगम पर मिल जाएगा पिता? चौराहे पर मिलेगा। तो गाइस, उस चौराहे पे मुझे जाना पड़ेगा ऑटो लेने के लिए। चढ़ा दो भाई। समय कम है। सो गाइस, यहाँ से ऑटो पकड़ना है और डर लग रहा है कि ट्रेन मिस ना हो जाए। और देख रहे गर्मी इतनी तेज है कि पसीना में रखे गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ भाग दौड़ के चक्कर में। अब देखता हूँ ऑटो कितनी देर में मिलता है। समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं, 20 मिनट बचा है। और ट्रेन को भी पकड़ रहा है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाना, जो कि ऑटो से जाने में ही 15-20 मिनट लगेगा। फाइनली ऑटो मिल गया, बस मेरे पास 20 मिनट बचा है। जल्दी पहुँचना क्योंकि ट्रेन मिस हो जाएगी। पहुँच गया स्टेशन, मतलब ये 15-20 मिनट पहले ही पहुँच गया। ट्रेन लेट भी नहीं हुआ, समय से पहुंच गया। अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, ट्रेन आएगी। इलाहाबाद से लखनऊ ट्रेन जाएगी। ये स्टेशन है प्रयागराज संगम स्टेशन का नाम है। और मैंने टिकट फाड़ दिया था, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर टिकट, ट्रेन आने वाली। मैं इतनी हड़बड़ी में हूँ, बस ट्रेन मिस ना, आगे जाना पड़ेगा। छः बजे उठा, जिम गया, फिर घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। मैंने टिकट 160 का टिकट बुक करवाया तो वो फाल दिए थे। फिर जल्दी में फिर मैं गया साइबर कैफ़े से। साइबर कैफ़े में कॉल किया, उनसे बोला भैया मैंने टिकट मेरी खो गई। उनसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि फिर वो भैया ने हेल्प की, सेव करके रखे थे सिस्टम में, तो तुरंत हम मुझे व्हाट्सअप कर दिए, तो फाइनली टिकट पा भी गया हूँ। अब ये समय हो रहा है ट्रेन। आपसे बताओ, सिर्फ मैं ब्रश किया हूँ, मुंह भी नहीं धुला हूँ, नहा पाया क्योंकि समय नहीं था और कुछ गलती मेरी भी थी। तो खैर, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुँच गया, बहुत खुशी की बात है। और सिर्फ ट्रेन मिल गया, ट्रेन खाली भी है और 3:20 पे ट्रेन निकलने वाली भी मेरे पास बचा है। सर बहुत तेज दर्द हो रहा है गाइस, कुछ खाया नहीं। अभी निकलता हूँ बाहर, देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए। मदार और सुबह से मुंह नहीं धुला, एकदम देख रहे चेहरा एकदम डल हो गया, दौड़ते दौड़ते धूल और गर्दी से और ट्रैफिक में फंस कर। फोन बज रहा है, शायद ट्रेन निकलने वाली है। गया और टिकट भी मिल गई थी, तो थोड़ा सा लेट लगा लेकिन पहुंच गया किसी तरह से। तो ऑटो लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। सो अभी भाई को कॉल करना है। और गैस इतनी जोरों से भूख लगी, देख सकते चेहरा एकदम उतर गया है। 8 बजे राइट एकदम पहुंचा हूं लखनऊ। गेट देखता हूं कहां पे है गेट निकलने का। वैसे एक बात बोलूं आप सबसे, छोड़ो जाने तो क्या बोलूं,
गाइस सॉरी गाइस स्टेशन का व्यू इतना प्यारा है, इतनी अच्छी लाइट लगी है, देखिए मेरे पीछे। और लाइट तभी चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी देर में। गेट के बाहर आ गया हूँ। पहले कुछ खाता हूँ, भूख भूख जो लगी है। जय बजरंगबली। देखिए लाइट ग्रीन हो गई है। व्यू देखने के लिए असल में गैस भाई का परीक्षा है, इसीलिए आया हूँ। और यहाँ से यहाँ पे भाई आएगा, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं, भाई के साथ हूँ। कब घर जा रहे हैं? भाई बहुत डांट रहा है। भाई जब पढ़ाए रहे इतना तीखा था, एक बता नहीं सकता से पानी फेंकने। बहुत तीखा। से बाहर हो गया। यही बाइक सब बहुत तीखा बना है भैया, यही बाइक सब बहुत तीखा बना खिला है, अभी तक मेरी जबान जल रही है। सो गाइस फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूँ। दीदी बगल में बनाते बनाते यहाँ तक पहुंच गए। तो पहुंच गया हूँ, अब कल ब्लॉग करता हूँ कल के लिए। तो अभी एंड करता हूँ, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू। अभी मौसा से थोड़ा सुनना।